तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अली ब्रदर 63। तो आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मैं हूं आपका दोस्त अली शेख। तो आज का यह हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 23 है। इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन के बारे में सीखने वाले। जैसे ही मैंने आपको बताया था, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसके मैंने आपको डिवाइड करके बताया। तो ये उसका आज का लास्ट पार्ट, इसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए अभी हम देखते। तो जैसे कि हमने पिछली बार कुछ एग्जाम्पल देखे थे, वैसे इसमें हम देखने वाले कि और कौन से प्रेपोजिशन होते हैं। एक होता है एगो। एगो किस लिए होते हैं? पिछले, यानी कि जो बीत चुका है उसके लिए। जैसे कि ही केम 2 ईयर्स एगो, वो 2 साल पहले आया था। इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ, इस शब्द के लिए होता है। जैसे कि व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर की अंदर क्या है। आउटसाइड, बाहर की तरफ, इसके लिए यूज होता है। जैसे कि ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, वो घर के बाहर खड़ा है। बी साइड यानी बगल में, बाजू में। जैसे कि ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी, वो मेरे बाजू में खड़ा है, बगल में खड़ा है। बिहाइंड यानी उसके नीचे। जैसे कि आई वॉज बिहाइंड राम इन द लाइन, मैं लाइन में राम के नीचे था। अहेड ऑफ, राम के आगे। आई वॉज अहेड ऑफ राम इन लाइन, मैं लाइन में राम के आगे था। हेड किस लिए होता है? आगे की तरफ के लिए होता है। जैसे कि एक्सेप्ट यानी कोई भी एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, उसके लिए यूज होता है। जैसे कि दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, ये दुकान हर दिन खुलती है सिवाय अतिरिक्त इस रविवार के अतिरिक्त, यानी रविवार को नहीं खुलती है, बाकी हर दिन खुलती है। अभी हम देखते हैं बी साइड क्या। ये इधर हमने देखा था बी साइड, और ये बी साइड से, बी साइड्स। डू यू ईट एनीथिंग बिसाइड्स, एल्स बिसाइड, उसके बिना, ऐसा होता है उसका मतलब। ड्यूरिंग आई वॉज इन दिल्ली, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। जैसे कि आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशंस, मैं छुट्टियों के दौरान दिल्ली में था। टिल और अनटिल, अभी टिल का हम एग्जाम्पल देख लेते। आई विल वर्क टिल 9, मैं 9 बजे से काम कर रहा हूँ। अनटिल, आई वॉज देयर अनटिल सैटरडे, मैं वहाँ पर सैटरडे को जाऊँगा। अप टू आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून, मैं देहरादून को जाने वाला हूँ। अराउंड यानी चारों तरफ से। पीपल वेयर अराउंड मी, येट आई वॉज लोनली, सब लोग मेरे चारों तरफ थे क्योंकि मैंने लोन लिया था। अलोंग, विल यू केम अलोंग, क्या तुम मेरे साथ आओगे। अलोंग साइड यानी किनारे। देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर, उधर नदी के किनारे रोड है। अक्रॉस, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी को पार करोगे, नदी में तैरोगे। यही था आज का हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 23। इस वीडियो में हमने प्रेपोजिशन के बारे में सीखा है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर आखिरी तक बने रहिए। और आज का यह हमारा प्रेपोजिशन का लास्ट पार्ट था, इसमें चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू।